नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी की तरफ से कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, जिसमें आपका 1 अक्टूबर से लेके 31 अगस्त 2021 तक का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जिसमें आपके फॉर्म आएंगे और नई वैकेंसियां आएंगी और जो है उसके एग्ज़ाम कब होंगी, ये टेंटेटिव डेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी पिछली वैकेंसी है जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है, उसका भी टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। जैसे आपका 10+2 हो गया और स्टेनोग्राफर का हो गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो गया, तो ये सब जो पहले डेट आया था 22 तारीख यानी कि 21 तारीख को जो आया था, 21 जुलाई को जो डेट दिया गया, उसी डेट पे कंटिन्यू रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि 2020 वाली जो वैकेंसी है वो कब आ रही है और उसमें उसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों जो लोग 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है वो 16 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में होगा, यानी आफ्टर दिवाली होगा। तो आप लोग उसकी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट देते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नई वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है इस साल 2020 में। तो यहाँ पे देखिए जेई की आ रही है, जूनियर इंजीनियर की जो है वो वैकेंसी आएगी आपकी 2020 वाली, आ जाएगी आपका 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को आ जाएगा डेट ऑफ एडवर्टाइज और क्लोजिंग डेट होगा आपका 31 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर को होगा। और उसके अलावा आपका आएगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इसका तो फॉर्म आ चुका है, इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 26/3 को होगा। और नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 वाला जो वैकेंसी है वो आपका आएगा दोस्तों 10 अक्टूबर को फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर को फॉर्म आएगा और 4 नवंबर को हो इसका लास्ट डेट होगा। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट होगा वो 29/3 यानी कि 29 मार्च रहेगा, 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में होगा। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है, अगर आप लोग स्टेनोग्राफर बनने के इच्छुक हैं तो शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दीजिए 2020 के लिए। और 2019 के लिए अगर आपने फॉर्म डाला है तो सीख ही रहे होंगे, सीख ही लिया होगा। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तभी फॉर्म डालिएगा, अन्यथा फॉर्म डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप फालतू में ही बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 की जो वैकेंसी है वो भी आपका नवंबर में आ जाएगा, 6 नवंबर को। ठीक है, ये कैलेंडर दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप कैलेंडर में जाके वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारा हमारे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि कब आएगी। तो यहाँ पे देखिए बस वैकेंसी अगले मंथ आ ही जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और केवल फॉर्म भरने में बहादुरी नहीं है, इसके रिटर्न की भी तैयारी करनी, क्योंकि आजकल मेरिट बहुत ज़्यादा जाने लगी है। इसके अलावा जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों आपका आएगा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आएगा, जो कि 21 दिसंबर को आ जाएगा इसका फॉर्म। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है एमटीएस वाला आ जाएगा आपका 2 फरवरी 2021 में। ठीक है, 2 फरवरी 2021 में आ जाएगा। और कांस्टेबल जीडी का जो है वो आपका 25 मार्च 2021 को आएगा। तो इतनी वैकेंसियां हैं जो कि अपडेट कर दिया गया है 22/9 के, यानी आज का अपडेट है यहाँ पे। और कौन सा सीबीटी होगा, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे स्टार लगा के इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली कैलेंडर में दोस्तों यही था कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो हमने बता दिया कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। और जो लोग हमारे स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट हैं, जो स्टेनोग्राफर की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये 2019 वाला और 20 वाला अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल डेली एक सेट लगाते रहिए। ठीक है, उसके अलावा डिक्टेशन जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको हर स्पीड में डिक्टेशन मिल जाएगा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।